गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे तो आपने कई बार देखे होंगे, मगर हमें यकीन है कि बारिश में बनती सड़क शायद आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये कमाल का कारनामा हुआ है हरियाणा की करनाल सिटी में, जहां भारी बारिश के बावजूद जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की मुस्तैदी देखने को मिली। जी हां, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे भारी बरसात में तारकोल बिछाकर सड़क बनवाई जा रही है और लोग जमकर मजे ले रहे हैं। बीते शनिवार उत्तर भारत के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश हुई तो कई इलाकों में जलभराव भी हुआ। ये सब बातें तो नॉर्मल है, ये सब होता ही रहता है, लेकिन उसी दिन हरियाणा के करनाल में कुछ ऐसा हो गया जो पहले न कभी देखा गया और न कभी सुना गया, और जो हुआ वो जमकर वायरल हो गया। ये वीडियो करनाल के नमस्ते चौक से सामने आया है, जहां शनिवार को भारी बरसात के बीच मजदूर सड़क बना रहे थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बेचारे मजदूर सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तारकोल डालकर सड़क भी बिछा रहे हैं, लेकिन झमाझम हो रही बारिश उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर रही थी। फिर भी बेचारे मजदूरों का काम जारी था। मजदूरों की मेहनत और जनता का पैसा जाया होता देख वहाँ के लोगों से भी रहा नहीं गया। कोई प्रशासन की मुस्तैदी पर हंसता नजर आया तो कोई सरकार को नसीहत देते नजर आया। बारिश में कभी कोई सड़क बनती है? जितना सामान लगाओगे वो सारा वेस्ट होगा। बर्डन किससे पड़ रहा है? बर्डन पड़ेगा ये सारा का सारा आम जनता पे। आम जनता के टैक्स का पैसा ऐसे वसूला जा रहा है, बिल्कुल काम नहीं रोका। अभी भी चल रहा है, देखो कितना पानी भरा, ये सारा खराब हो चुकी है। ये जो पैसे की वेस्टेज हो रही है, आम जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है। ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लेती नहीं इनके ऊपर, ठेकेदार के। कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है वो करके चला जाएगा, बाद में फिर आम जनता को भुगतना पड़ेगा इस चीज को। सर सड़क तो बना रहे, बरसात में सड़क बनानी नहीं चाहिए ना, ये तो चार दिन भी नहीं टिकेगी और भी ये फटके फिर ऐसी हो जाएगी बिल्कुल ही। और बरसात में तो फिर सड़क ज्यादा टाइम चलती नहीं ना। कितना टुकड़ा बनाया था? बस ये आगे टुकड़ा बनाया था इन्होंने, फिर काम रुक गया था। ये बारिश में काम कर रहे थे, बरसात में काम कर रहे थे। सड़क का नुकसान है सर, बरसात में बनानी नहीं चाहिए ना बिल्कुल भी। तो चार दिन भी नहीं चलेगी सड़क तो, फिर ये टूट के गड्ढे हो जाएंगे, फिर गवर्नमेंट को चुना लग सकता है इसमें बिल्कुल। देखो ये तो उनको पता है, ठेकेदार को बनाने वाले को। ये बरसात में सर कैसे चलेगी सर? जब तक पानी नहीं निकलेगा तब नहीं बनाने चाहिए। जैसे ठेकेदार सड़क को बनाते हैं, अब इस देखते हुए अगर सड़क इस मॉल में बनाएगी तो कैसे चल पाएगी? वो महीना भर भर भी नहीं चलेगी सर। वो तो हमसे तो जैसे ये सूखने के बाद ही बनानी चाहिए थी, तो ये गलत है। बारिश में बना रहे हैं, ये बरसात में बना रहे हैं। देखो ना साहब, आपके सामने देखो बरसातें बनी हुई है, गलत कर रहे हैं ये। गलत कर रहे हैं जी ये तो। हालांकि जब लोग वीडियो बनाने लगे तो सड़क बनाने का काम रोक दिया गया, लेकिन तब तक ये तस्वीरें लोगों के कैमरे में कैद होकर पूरे हरियाणा में वायरल हो चुकी थी, जिसके बाद जमकर सियासत होने लगी और बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। हरियाणा सरकार के मुस्तैद प्रशासन पर हरियाणा कांग्रेस के नेता शमशेर सिंह गोगी ने खूब चुटकी ली और इसे बीजेपी का राष्ट्रवाद तक बता डाला। और ऐसी तकनीक लाए कि बरसात के बीच में भी तारकोल बिछा के सड़क बनाई जा सकती है, इसका सबूत अखबारों में छप चुका है, आप भास्कर में भी देख सकते हैं और सभी जगह ये वीडियो वायरल हो चुकी है। और ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो वो करते ही नहीं, वो सारा काम राष्ट्रवाद के नाम से ही करते हैं। और किसी ठेकेदार के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रभक्त जो है उनको भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिला हुआ है। करनाल की जनता कब जागेगी इसकी इंतजार करनी है, पूरा हरियाणा जागेगा, तभी इनसे छुटकारा होगा। जय हिंद। आपको बता दें कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बनाई जा रही थी। जब इस बारे में विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नमस्ते चौक के पास सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन बारिश शुरू होते ही तुरंत काम रोक दिया गया था। देखिए, हमारा नमस्ते चौक से मीरा घाटी तक लगभग 900 मीटर की स्ट्रेच है जो हमने अभी अलॉट की थी, और इसकी लगभग अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़ कॉस्ट है। इस पर हमारी बिचुमन की दो लेयर होनी है, एक डीबीम और एक बीसी, जो हमने काम शुरू किया था। काम चला हुआ था लेकिन अचानक ही बहुत हैवी बारिश आ गई, और जब हैवी बारिश आई तो वो पानी वहाँ निचली बात है एक बार इकट्ठा होता है, उसके बाद हमने काम बंद कर दिया। और जितना बारिश के दौरान काम हुआ है वो सारा हम निकाल कर उसको दोबारा कर रहे हैं। काम चला हुआ था, अचानक बादल उठा और वो बारिश स्टार्ट होगी,
क्योंकि काम बंद करने में बिचुमन का काम होता है, मशीनरी है, गाड़ी भरी खड़ी है, तो वो एकदम टाइम लग जाता है बंद करने में। जो लेइंग होती है पिक्चर 100 मीटर में, उस पर भी रोलर चलता रहता है, तो उसमें टाइम लगता है, उसको हम सारे को निकलवाएंगे। ठेकेदार पे जो भी विभागीय एक्शन है वो होगा, और उसका सबसे बड़ा एक्शन है कि उससे हम काम दोबारा जो बारिश में किया दोबारा उसको काम कराएंगे। भारी बरसात में बनाई जा रही सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरियाणा की जनता ये मांग कर रही है कि जो भी लोग इस बेहतरीन कारनामे को अंजाम दे रहे थे उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो लापरवाही भी कर रहे हैं और जनता के पैसों को इस तरह से बर्बाद भी कर रहे हैं। भारी बरसात में करनाल में बनाई गई ये सड़क कितने दिन तक टिकेगी इस बात का तो पता नहीं, लेकिन इस मामले ने सूबे की सियासत को नई दिशा जरूर दे दी। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।